नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का ये वीडियो है राशि चक्र की तीसरी राशि वायु तत्व की राशि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2020 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में। तो आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 3 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि मिथुन है और ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके मिथुन राशि में है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के ट्रांजिट से। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से पंचम स्थान में होगा, जो आपके लिए शुभ माने जाएंगे। वैसे तो शुक्र की राशि में बुध का फल शुभ नहीं है, लेकिन पंचम स्थान के अंदर आपके लग्न और राशि के अधिपति जो है, आपकी राशि के अधिपति जो बुध पंचम स्थान में है, तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को उजागर करने वाले बनेंगे। यानी कि जिस पास्ट में जितने ही आपने शुभ काम किया है, शुभ कर्म किया है, इसका आपको शुभ फल मिलेगा। तो मित्रों से लाभ रहेगा, आपके संतानों का प्रोग्रेस होगा, आपका खुद का भी प्रोग्रेस होगा पढ़ाई के अंदर। तो बुध का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। बुध 28 नवंबर तक यहाँ पर है, उसके बाद बुध चलेंगे आपके छठवें स्थान के अंदर। तो छठवें स्थान में भी बुध का फल शुभ माना जाता है, लेकिन ये मंगल के घर में होंगे, वृश्चिक राशि के अंदर। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा रिलेशन में, खास करके मामा मौसी के साथ आपको केयर करना होगा। वाद विवाद या उग्रता ना हो जाए उसका केयर मैटरनल साइड के साथ खास केयर करना होगा। बाकी ये बुध का भ्रमण अष्टम छठवें स्थान के अंदर रोग शत्रु पर तो आपको विजय देने वाले हैं। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट से। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। आपके मिथुन राशि वाले कोई मित्र है तो वीडियो उनको जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो और इसके लिए देखते रहिए वीडियो एंड तक। वीडियो के आखिर में हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी बता देते हैं और पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना है तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। वीडियो के आखिर में अशुभ तत्व की निवारण भी क्या है उसका भी आपको बता देते हैं। तो जो राशि के अधिपति हैं पंचम एवं छठवें स्थान के अंदर हैं तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को उजागर करने वाले बनेंगे। 28 नवंबर के बाद बुध शत्रु विजय करवाने वाले बनेंगे। तो सूर्य ग्रह का फल क्या है, सूर्य आपके पंचम स्थान के अंदर है 16 नवंबर तक। सुबह 6:05 को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे वृश्चिक राशि के अंदर। तो वृश्चिक में चलने वाले सूर्य आपके लिए शुभ बनेंगे और पंचम स्थान में सूर्य है वो इतने शुभ नहीं माना जाएंगे, क्योंकि पंचम स्थान जो है वो प्रणय संबंधों का स्थान है, आपके संतानों का स्थान है, आपके अभ्यास का स्थान है, पढ़ाई का स्थान है। तो ये सब जगह पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। जो भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से कार्य करते हैं उनको भी भारी लॉसेस आने की संभावना रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके पांचवें स्थान के अंदर नीच राशि के अंदर हैं। तो 16 तारीख को सूर्य सुबह 6:56 को राशि परिवर्तन करेंगे इंडिया टाइम पर और चलेंगे वृश्चिक राशि में। इसको बोलेंगे वृश्चिक संक्रांति। तो वृश्चिक के जो सूर्य है ये आपके लिए रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे और रिलेशन में वंस अगेन आपको अपने मैटरनल साइड के साथ केयर करना होगा, क्योंकि केतु ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं आपके छठवें स्थान के अंदर और सूर्य के साथ चलेंगे, तो जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रिलेशन में मामा मौसी के साथ आ सकता है और आपके हेल्थ में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो खान पान पर विशेष केयर करें, कफ और वायुजन्य प्रकृति हो ऐसा खाने में बचे। तो अदरवाइज कफ प्रकृति बॉडी में, क्योंकि सूर्य अनुराधा नक्षत्र में चलेंगे वृश्चिक में तो कफ प्रकृति बढ़ेगी और ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य चलेंगे जब, तो आपकी वायु प्रकोप पेट के अंदर बढ़ेगा।
तो ये दोनों चीज ऐसी ऐसी खाने में प्रयोग करें कि कफ और वायु ज्यादा ना हो। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल आपके 10वें स्थान के अंदर हैं जो कि आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं। बुध ग्रह का भ्रमण तो आपको पहले ही बताया है। गुरु का ट्रांजिट आपके लिए सप्तम स्थान के अंदर है। 20 नवंबर तक गुरु अविवाहित जातकों के लिए शुभ माने जाएंगे। मैरिज एंगेजमेंट इत्यादि आपका हो सकता है और 20 नवंबर को गुरु राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपके अष्टम स्थान के अंदर। यहाँ पर शनि के साथ चलेंगे तो शनि का जो प्रकोप है अष्टम स्थान के अंदर, आपको छोटी पनौती चल रही है जो पारिवारिक समस्या क्रिएट कर रही है, इसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो गुरु बदलने के बाद आपके लिए शुभ है। और शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए कुछ इस प्रकार है। शुक्र आपके 6वें स्थान के अंदर है जो 28 अक्टूबर से वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएंगे। और वृश्चिक के शुक्र जो है वो आपके लिए 21 नवंबर तक चलेंगे। तो ये ट्रांजिट आपके लिए खर्चा बढ़ाने वाली होगी, लग्जरियस एक्सपेंसेस होंगे क्योंकि शुक्र की 12वें स्थान में दृष्टि होगी। और 21 नवंबर को शुक्र चलेंगे धनु राशि के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी शुक्र का आपके लिए बहुत शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाला होगा। और शनि तो आपके अष्टम स्थान में चल ही रहे हैं, छोटी पनौती आपको चल रही है जिसके कारण पारिवारिक समस्या, फाइनेंशियल मैटर में डिस्टर्बेंस, पारिवारिक समस्या के साथ साथ बिजनेस में, कैरियर में भी स्लो होना, ये सब भी आप महसूस करेंगे। रिलेशन में फादर के साथ और जो भी जातक विवाहित हैं इसको इनमें खास करके मदर इन लॉ के साथ, क्योंकि 10वां स्थान जो है यहाँ से आपके फादर देखते हैं और आपके मदर इन लॉ जो है वो भी आपके 10वें स्थान से देखे जाते हैं। तो ये सब जगह पे आप डिस्टर्बेंस महसूस, जॉब में अपर लेवल जो भी जातक जॉब करते हैं इनके लिए भी 10वां स्थान जो है वो कर्म स्थान का अपर लेवल का देखा जाता है। तो ये सब जगह पे आप स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे। बिजनेस, करियर, फादर, जॉब में अपर लेवल और विवाहित जातक, अपने इन लॉस में खास करके मदर इन लॉ, ये सब के साथ रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा। शनि के कारण, शनि आपके अष्टम स्थान में चल रहा है इसलिए। राहु आपके 12वें स्थान के अंदर है जिसके कारण खर्च आपका ज़्यादा रहेगा, इनकम के मुकाबले खर्च आपका ज़्यादा रहेगा। और केतु आपके 6वें स्थान के अंदर है जो वायु प्रकोप बढ़ाने वाले हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल पेट में बढ़ाने वाले हैं क्योंकि केतु ज्येष्ठ नक्षत्र में चल रहे हैं। तो केतु ज्येष्ठ नक्षत्र में वायु प्रकोप बढ़ाने वाले हैं, इसके लिए खास करके खान पान में विशेष केयर करना होगा कि पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल ज़्यादा ना बढ़े। तो कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा वो इस प्रकार हैं, 29 और 30 नवंबर और 1 दिसंबर, जिसमें चंद्र चलेंगे वृषभ राशि के अंदर। तो वृषभ के जो चंद्र हैं वो राशि से 12वें स्थान के बनते हैं, तो ये तो मंथ के एंड के अंदर होगा, 29-30 दिसंबर और 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर। इसके बाद डेट टेक केयर करना होगा सबसे पहले 11-12-13, जिसमें चंद्र चलेंगे कन्या राशि में। तो कन्या के चंद्र राशि से 4थे स्थान के चंद्र बनते हैं। चौथे चंद्र में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब 4थे स्थान में चंद्र चलते हैं कुंडली में आपकी राशि से, तो अननेसेसरी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट करवा देते हैं। ये तारीखों के अंदर मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के कोई भी कार्य करना, लेना बेचना कुछ भी करना एडवाइजेबल नहीं होगा। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 19, 20 और 21, जिसमें चंद्र चलेंगे मकर राशि में। तो मकर के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र के अंदर भी आपको पानी से बचना होगा, व्हीकल ड्राइव में क्या करना होगा और पारिवारिक मामलों में क्या करना होगा, क्योंकि 8वां स्थान में भी, 8वां स्थान मृत्यु स्थान है, यहाँ पर शनि के साथ चंद्र चलेंगे। तो ये जो 2.25 दिन का पीरियड है 19, 20 और 21, ये तारीखों के अंदर भी आपको थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करना होगा। इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है लाइफ का कोई भी, तो जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। तो यदि आपको पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना है तो नीचे बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
करियर के, खास करके करियर के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो एब्सोल्युटली एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नीचे बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, एज सून एज हम आपको व्हाट्सएप के अंदर ही रिप्लाई करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, लाइक का एक बटन तो जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिए। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।